कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 3 राजकीय आय। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का। इसका हर एक डाटा अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जितने भी आंकड़े बताऊंगा उन सभी आंकड़े को अच्छे से याद कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस अकेले एक चैप्टर से, अध्याय 3 राजकीय आय। CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है आपके 15 मई 2024 से। जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो CGPSC ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ी सी गूगल की पॉलिसी चेंज हुई है, इसलिए प्ले स्टोर पर हमने मोबाइल ऐप को रीब्रांडिंग करके फिर से लॉन्च किया है। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो नए स्टूडेंट है जो मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर में जा करके छत्तीसगढ़ ई पाठशाला के नाम से सर्च कीजिएगा। गूगल की पॉलिसी चेंज होने के कारण काफ़ी समय से मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से हट गया था, इस कारण से CGPSC के जगह हमें छत्तीसगढ़ ई पाठशाला करना पड़ा है। तो जो नए स्टूडेंट है वो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के छत्तीसगढ़ ई पाठशाला सर्च करेंगे तो आपको मोबाइल ऐप शो हो जाएगा, वो उसे डाउनलोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में मैं आपको पिन करके मोबाइल ऐप का लिंक दे दूंगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन बुक डिपो में जाकर के आप हमारे CGPSC ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के आप CGPSC ई पाठशाला के इकोनॉमिक सर्वे के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 3 राजकीय आय, सबसे पहले दिया गया है सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP। GSDP या GDP होता क्या है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो डेफिनेशन बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना GDP कहलाती है, ठीक है। किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य की गणना को GDP कहते हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो वहां पे GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद होगा। वहीं किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो वहां पर GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहेगा। बाकी डेफिनेशन सेम है। किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना GDP कहलाती है। इसका पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि ये जो आपका शर्ट है, एक कॉटन का शर्ट है, इस शर्ट को बनाने के लिए इसको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले खेत में कपास की खेती की जाएगी, कपास को कलेक्ट करके फैक्ट्री में लाया जाएगा, उस कपास से धागा बनाया जाएगा, उस धागे को बुन करके कपड़े के बड़े बड़े थान बनाए जाएंगे, कपड़े के थान से उस कपड़े को काट करके उसका सिलाई करके मार्केट में ये शर्ट बेचने के लिए लाया जाएगा। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, यानी कि कपास को इकट्ठा करना, उससे धागे निकालना, उसको बुनना, उस कपड़े के थान बनाना, उसकी कटिंग करना, उसकी सिलाई करना, ये कंप्लीट प्रोसेस में जो हर एक स्टेज में जो लागत आ रही है ना, ये हर एक स्टेज के लागत को उसमें काउंट नहीं किया जाता। जो फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकने के लिए आया है ये शर्ट, इस शर्ट की जो कीमत है, इसकी जो MRP है, ये आपके मौद्रिक गणना में काउंट होती है। वही कहा जा रहा है अंतिम वस्तु एवं सेवा, किसी भी देश या किसी भी राज्य के भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना GDP कहलाती है, ठीक है। अब ये सकल घरेलू उत्पाद GDP, इसकी गणना स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पर की जाती है। स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत क्या होता है, इसे ध्यान समझिए। जब किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 के कीमतों पर किया जाता है, तो
तो ये स्थिर कीमतों पर जीडीपी कहलाता है। वहीं किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों पर किया जाता है, तो ये प्रचलित कीमतों पर जीडीपी कहलाता है। ठीक, फर्स्ट डे के फर्स्ट लेक्चर जो इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट लेक्चर था, उसे मैं स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर किया जाता है, तो वो स्थिर कीमत पर जीडीपी कहलाता है। वहीं किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों पर किया जाता है, तो उसे प्रचलित कीमतों पर जीडीपी कहलाता है। अब ये स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, ये दोनों में अंतर क्या होता है, इसे ध्यान समझिएगा। जैसे कि सबसे पहले स्थिर कीमत और आपका प्रचलित कीमत। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मैं वर्ष 2011-12 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ये 2023-24 है, 2011-12 की बात कर रहा हूँ। वर्ष 2011-12 में ये जो एक पेन है, इस पेन की कीमत थी 10 रुपये। ठीक है, वर्ष 2011-12 में इस पेन की कीमत थी 10 रुपये, 10 रुपये में यह एक पेन आता था। वहीं अभी 2023-24 में इस पेन की कीमत बढ़ करके कितनी हो गई है, 15 रुपये। कितनी हो गई है, 15 रुपये। तो 2011-12 और 2023-24 के बीच में अगर आप देखेंगे तो पेन की कीमत कितनी रुपये बढ़ी है, टोटल 5 रुपये जो है पेन की कीमत में वृद्धि हुई है। ठीक है, पेन की कीमत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 5 रुपये की पेन की कीमत बढ़ी है, यानी कि क्या हुआ है, 5 रुपये जो है ये पेन का कीमत महंगा हुआ है। क्या हुआ है, महंगा हुआ है, यानी कि जो आपका स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, इन दोनों के बीच में अंतर क्या रहता है, महंगाई का। क्या रहता है अंतर, महंगाई का अंतर रहता है। स्थिर कीमत महंगा, स्थिर कीमत पर महंगाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि प्रचलित कीमत महंगाई से प्रभावित होती है। ठीक है, प्रचलित कीमत महंगाई से प्रभावित होती है। 2011-12 से लेकर के 2023-24 के बीच में साल दर साल महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। ठीक है, 10 रुपये में जो आपका पेन मिलता था वो 2023-24 में आपके 15 रुपये का मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, ये महंगाई बढ़ी है। तो स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत के मध्य जो मुख्य अंतर है वो है महंगाई का। स्थिर कीमत पर महंगाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि प्रचलित कीमत महंगाई से प्रभावित होती है। ठीक, और ये अंतर आपको जीडीपी में भी देखने के लिए मिलता है। कैसे, आधार वर्ष 2011-12 और आपका प्रचलित कीमत में वर्तमान जो वर्ष है 2023-24 के हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं। ठीक, अब जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको ध्यान समझना। ये जो एक पेन है, ये पेन आपका 10 रुपये कीमत था कब, वर्ष 2011-12 में। मेरे पास अभी जेब में पड़े हुए 100 रुपये, 2011-12 की बात कर रहा हूँ, जेब में मेरे पास 100 रुपये है, यानी कि 100 रुपये क्या है, मेरा जीडीपी है। तो मैं अपने कुल जीडीपी से इस 10 रुपये लागत के पेन, कुल कितने पेन खरीद सकता हूँ, कुल कितने पेन खरीद सकता हूँ, कुल जो है 10 रुपये लागत के मैं अपने 100 रुपये के जीडीपी से 10 पेन खरीद सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है पेन की कीमत 10 रुपये ले लीजिए। ठीक, अब अगर हम बात करें वर्तमान कीमत की, वर्तमान में मान लीजिए इस पेन की कीमत हो गई कितना, 20 रुपये, 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया, चलो ठीक है, पेन की कीमत हो गई 20 रुपये। और आज भी मेरा जीडीपी कितना है, मेरे जेब में 100 रुपये है, तो मेरा जीडीपी कितना है, 100 रुपये। तो आज के डेट में मैं इस 20 रुपये लागत वाले पेन को कितना खरीद सकता हूँ अपने कुल जीडीपी से, तो कुल कितना खरीद सकता हूँ, टोटल आपके 20 रुपए कीमत की मैं 5 पेन खरीद सकता हूं, जबकि आपका 11-12 में मैं इस 10 रुपए कीमत के टोटल 10 पेन खरीद सकता था। ठीक है, टोटल 10 पेन खरीद सकता था, और आज कितना खरीद पा रहा हूं, केवल 5 पेन खरीद पा रहा हूं। उसका कारण क्या है, उसका कारण है आपका महंगाई। ठीक है, तो गवर्नमेंट कभी भी कोई भी आंकड़ा जो मैक्सिमम टाइम यूज करती है वो स्थिर कीमतों के आंकड़ों को यूज करती है, क्योंकि प्रचलित कीमत के आंकड़े साल दर साल बदलते रहते हैं, स्थिर कीमत के आंकड़े नहीं बदलते उस पर, क्योंकि महंगाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अब देखिए जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आकार कितना था, वो था आपका
3,21,94,473,00,000 रुपए। ठीक है, स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार कितना है पूछा जाए तो 3,21,94,473,00,000 रुपए छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार था स्थिर कीमतों पर, जबकि प्रचलित कीमतों पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार कितना है, 5,05,88,651,00,000 रुपए। इंपॉर्टेंट है, स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार कितना है, प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार कितना है। ठीक है, सबसे पहले तो स्थिर कीमत के आंकड़ों को याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर ना आपको एग्जाम में या तो पूरा आंकड़ा देगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार क्या है, तो उसमें आपको जो चार ऑप्शन देंगे तो ये चार ऑप्शन जो है आपको लाख के डिजिट में देगा, यानी कि 3,21,94,473,00,000 रुपए। या क्या करेगा, इस लाख को हटा देगा और यहां पर करोड़ लिखेगा और करोड़ लिख करके लास्ट के दो डिजिट को हटा देगा। मतलब समझ रहे हो, 3,21,944,00,000 रुपए। देखो लास्ट में लाख लिखा हुआ है, अब अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें ऑप्शन करोड़ में दिया गया है तो करोड़ में देने के लिए ये जो है लास्ट के दो डिजिट को ये हटा देगा, क्योंकि ऐसा हुआ है गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में ये पूरा डाटा लिखा रहता है, 5,05,88,951,00,000 रुपए ये लाख में दिया गया है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये जो आपका डाटा है ये करोड़ में पूछता है, तो उसको देख के कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर हम लाख में गणना कर रहे हैं तो 3,21,94,473,00,000 रुपए छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है, वहीं अगर हमें करोड़ में करना है तो ये कितना हो जाएगा, 3,21,944,00,000 रुपए। ठीक है, देखिए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यानी कि 2022-23 की तुलना में 2023-24 में छत्तीसगढ़ के जीडीपी में स्थिर कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई पूछा जाए तो 6.56% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 6.56% की वृद्धि दर्ज की गई है छत्तीसगढ़ के जीडीपी में या आर्थिक विकास दर। ठीक, प्रचलित कीमतों पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी में कुल 8.93% की वृद्धि दर्ज की गई है। दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए यहां पर जो एक लाइन लिखा गया है उस लाइन को थोड़ा ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। नोट, किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापक होता है और किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मात्रक होता है। आपके पास चार ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ऐसे जो है आपको तीन चार ऑप्शन दिया जाएगा। तो अगर प्रश्न पूछा गया, देखिए दोनों के दोनों प्रश्न पढ़ने में एकदम सेम टू सेम लगते हैं लेकिन दोनों के आंसर अलग है। किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापक होता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, और किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक होता है पर कैपिटल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, दोनों में, एक में आर्थिक स्थिति है, एक में आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि है। अगर आर्थिक स्थिति का उपयुक्त मापक पूछा जा रहा है तो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, और अगर आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक पूछा जा रहा है तो उसका आंसर होगा पर कैपिटल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानित कितना था, अगर हम स्थिर कीमतों की बात करें तो स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है 1,05,973 रुपए, छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति औसतन एक साल में इतना रुपए कमाता है। अब इसमें अमीर गरीब मत देखिएगा, अमीरों के भी इनकम इसमें कंसिडर किया जाता है, गरीबों के भी इनकम कंसिडर किया जाता है, उसका एक एवरेज है ये। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय है 1,05,973 रुपए, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा।
प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना है पूछा जाए तो 1,47,361 रुपए। 1,47,361 रुपए छत्तीसगढ़ का प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय है। अब देखिए एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और स्टूडेंट किस प्रकार से कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान समझना। छत्तीसगढ़ का स्थिर कीमत पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है, ध्यान समझना। छत्तीसगढ़ का स्थिर कीमत पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है। ऑप्शन दिया गया आपका ए 1,27,361 रुपए, ऑप्शन बी 1,38,943 रुपए, ऑप्शन सी 1,47,361 रुपए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट, दो आंकड़े पढ़ के जाएंगे, 1,05,973 1,47,361 एकदम रट्टा मार के जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि स्थिर कीमत पर है कि प्रचलित कीमत पर है। अब प्रश्न पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का स्थिर कीमत पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है। अब उनके सामने तीन डाटा दिख रहा है, 1,27,361 1,38,943 1,47,361, इनमें से कोई नहीं। अब वो ये नहीं देखें कि स्थिर कीमत पर पूछा कि प्रचलित कीमत पर पूछा है, 1,47,000 जैसे ही दिखता है वो उसको टिक कर देते हैं, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, और एक साल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम में ये ध्यान रखिएगा कि स्थिर कीमत पर पूछ रहा है कि प्रचलित कीमत पर पूछ रहा है, और यहां गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि होता है कि जो हम आंकड़े पढ़ करके गए हैं वो नजर के सामने है और दूसरा जो करेक्ट आंसर है वो नजर के सामने नहीं है, तो हम जो सामने है उसको आंसर ले लेते हैं। तो स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय 1,05,973 रुपए है, जबकि प्रचलित कीमत पर है 1,47,361 रुपए। यहां पर स्थिर कीमत पूछा है ना कि प्रचलित कीमत, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके ही अटेम्प्ट करना, ठीक है। प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में 7.31% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, 7.31% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछा जाता है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, 7.31% की वृद्धि दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, अब है सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP क्षेत्रावार अग्रिम अनुमान प्रतिशत वृद्धि 2023-24। अब ये क्षेत्रावार, ये जो टॉपिक है इसको समझने से पहले जो एक आपको चार्ट बता रहा हूं उस चार्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये चार्ट, ये है पूरे के पूरे उद्योग समूह, उद्योग समूह जिसे क्लासिफाइड किया गया है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, इसे पहले अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र ऐसे उत्पाद जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कृषि, जब हम कोई फसल उगाते हैं तो बीज को मिट्टी में हम बो देते हैं, उसके बाद उससे फसल निकलता है, ये हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त हुआ है। खनिज संपदा जैसे कि कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, ये सभी के सभी प्रकृति में मौजूद है, हम उसे उसका जो है उत्खनन करके निकाल रहे हैं, ये क्या है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे उत्पाद जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत
रखते हैं, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर रहता है, द्वितीयक क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है, और तृतीयक क्षेत्र जो कि द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इसको कई लोग क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र पढ़ते हैं, द्वितीयक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र पढ़ते हैं, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र पढ़ते हैं। ऐसा गलती मत कीजिएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र अलग होता है, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्लासिफिकेशन अलग होता है, आगे बताऊंगा आपको। तो प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे उत्पाद आते हैं जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है, तृतीयक क्षेत्र जो कि द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, अब देखिए, जैसे कि आपका ये शर्ट का ये एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले कपास, कपास जो है ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ। अब इस कपास को हम लेकर के जाएंगे कहां पर, फैक्ट्री में, ठीक है, फैक्ट्री में लेके जाएंगे। इस कपास से क्या बनाया जाएगा, इस कपास को बुन करके कपड़ा बनाया जाएगा फैक्ट्री में, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या है, द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर कर रहा है। ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो फैक्ट्री है, ये किस पर निर्भर कर रही है, कपास पर निर्भर कर रही है। जब तक कपास मिलेगा नहीं, तब तक फैक्ट्री में कपड़ा बनेगा नहीं, और इस कपड़े को बनाने के लिए क्या लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो ये फैक्ट्री में कपड़ा बनाने का कार्य कौन करेंगे, ये करेंगे इंसान, अपनी सेवा देंगे, अपना सर्विस देंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है, द्वितीयक क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है, तृतीयक क्षेत्र जो कि द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। इसका और एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए हमें कोयला, कोयला क्या है, खनिज है, कोयला हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होता है। अब इस कोयले को लेकर के जाएंगे हम कहां पर, आपके ताप विद्युत संयंत्र में, उससे क्या बनाएंगे, उससे बनाएंगे हम बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। अब इस बिजली को बनाने के लिए वहां पर क्या, किसकी जरूरत है, वर्कर की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है। तो ये वर्कर, वर्कर क्या दे रहे हैं, वर्कर अपनी सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर द्वितीयक क्षेत्र निर्भर करता है, और आपका तृतीयक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, समझ में आया। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या है, फसलें, पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन तथा उत्खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जो भी उत्पाद है, ये हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। फसल यानी कि जो कृषि उपज है, पशुपालन जो आपके जो जीव जंतु है ये पैदा होते हैं जिसे हम पालते हैं, वन उद्योग और लट्ठे बनाना यानी कि जो हमें वनों से जो लघु वन उपज हम एकत्र करते हैं, मछली पालन जो हम नदियों में आपके जलाशयों में जो मछली का पालन करते हैं, और खनन तथा उत्खनन यानी कि जो प्रकृति, हाँ, प्रकृति से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति, अन्य उपयोगिताएं आती है। अब देखिए, यहां पर निर्माण और विनिर्माण को लेकर के भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं। निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में निर्माण का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, और विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। अभी दोनों में अंतर क्या है, देखिए आपको इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं, ताकि कल के डेट में कोई आपसे इंटरव्यू में ही पूछ ले कि निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर है, यानी कि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर है। जो प्रकृति से, देखिए द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो प्रकृति से प्राप्त उत्पादों का रूप में परिवर्तन करके अगर हम उसका लोकलिटी पे उसका यूज करें, ठीक है, जिसका जो है हम एक सेंट्रलाइज्ड यूज करें, उसका किसी लोकेलिटी में यूज करें, तो वो कहलाता है आपका निर्माण। अभी डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर आपका इसका विद एग्जांपल बताऊंगा, चीज समझ में आ जाएगी। विनिर्माण, प्रकृति से प्राप्त उत्पाद का परिवर्तन करके उसका हम डिसेंट्रलाइज यूज करें, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका विनिर्माण। कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण, प्रकृति से प्राप्त उत्पाद का अगर हम किसी लोकेलिटी में यूज करें, यानी कि प्रकृति से प्राप्त उत्पाद का हमने उसका रूप परिवर्तन कर दिया और उसका यूज हम किसी लोकेलिटी में कर रहे हैं, उससे जो हमने नया उत्पाद बनाया वो गतिमान नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका निर्माण। विनिर्माण, प्रकृति से प्राप्त उत्पाद का रूप परिवर्तन करके उसका जो है उसका हम डिसेंट्रलाइज यूज करें, यानी कि उसका जो उत्पाद है वो गतिमान है, तो ये कहलाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण। डेफिनेशन से चीजें क्लियर नहीं हो रही, एग्जांपल दे रहा हूं।
जैसे कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर, अगर आप रायपुर में जाएंगे, रायपुर में आप दुर्ग रायपुर में ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे लगातार कुछ कुछ दूरी पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, ठीक है, नीचे से एक सड़क गुजर रही है उसके ऊपर से फ्लाईओवर आपके सड़कें बनाई जा रही है, तो वो क्या हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर आपको उस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरना है तो आप मान लीजिए आप अंबिकापुर में रहते हैं, आप राजनांदगांव में रहते हैं और आपको यहां के फ्लाईओवर का यूज करना है तो आपको दुर्ग रायपुर वाला रूट फॉलो करना होगा। यानी कि जो निर्माण में जो चीजें बनाई गई है वो गतिमान है क्या? नहीं है। उसका हम किसी एक लोकेलिटी में यूज कर रहे हैं, उसका हम किसी एक लोकेलिटी में यूज कर रहे हैं। जैसे कि कई जगह आपको लिखा मिलेगा कोई एक बिल्डिंग है कंस्ट्रक्टेड बाय L&T कंपनी, किसी कंपनी ने उसे बनाया, आपके घर के सामने सड़क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नाली का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर आपको आपके घर के बाहर जो सड़क बनी है उसे आप अपने लोकेलिटी में यूज कर रहे हैं, उस वो सड़क गतिमान है क्या? नहीं, वो सड़क तो अपने जगह मौजूद है, उस सड़क का उपयोग करना है तो आपको अपने घर के सामने यूज करेंगे, ठीक है। रायपुर में अगर कोई फ्लाईओवर बना है तो उसे यूज करने के लिए आपको रायपुर वाले रूट पे आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अयोध्या में जो है आपका राम मंदिर बना है, वो उसका क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसका निर्माण हुआ है। तो अगर आपको राम मंदिर में दर्शन के लिए जाना है तो आपको अयोध्या जाकर के राम मंदिर का दर्शन करना पड़ेगा। वो राम मंदिर मूवेबल है क्या? उसमें मोबिलिटी गति है क्या? नहीं, वो वहां पर स्थापित है, वो कंस्ट्रक्टेड है, वो निर्माण है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आप अपने घर में साबुन यूज करते होंगे नहाने के लिए, उसके पीछे लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, ठीक है, कंपनी का नाम ITC कंपनी, तो मैन्युफैक्चर्ड बाय उसमें लिखा रहेगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय या फिर मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मैन्युफैक्चर्ड इन गुड़गांव, मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात। गुजरात में कोई प्रोडक्ट बना उसे आप अपने छत्तीसगढ़ में यूज कर रहे हैं, यानी कि प्रकृति से जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसके रूप में परिवर्तन करके उसका डिसेंट्रलाइज यूज कर रहे हैं, यानी कि उस वस्तु में क्या है, उस वस्तु में गतिमान है, किसी और कोने में वो बना और कहीं और आकर के उसका यूज हो रहा है। गुजरात में बने कपड़े को हम छत्तीसगढ़ में पहन रहे हैं, गुड़गांव में बने आपके किसी साबुन का यूज हम हमारे छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, सीवाकाशी में बने फटाके को हम छत्तीसगढ़ में लाके फोड़ रहे, तो उनके पैकेट के पीछे लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड इन सीवाकाशी। तो ये होता है आपका निर्माण और विनिर्माण में अंतर। देखिए ये चीजें आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, डेफिनेशन बहुत मिलेगा, एग्जाम्पल आपको ढूंढना पड़ता है। ये जो आपको टेबल यहां पे मैं बना करके दिया हूं, ये टेबल भी आपके गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, ये आपको समझने के लिए, और इस अकेले टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है आगे आपको बताऊंगा भी। तो ये टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है, और कुछ बदमाश पब्लिकेशन यही सारे चीजों को चुराने की कोशिश करते हैं, आपको तो पता ही होगा, टेलीग्राम में डालते रहता हूं, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में आपको इतना डिटेल में चीजें नहीं मिलेगी, एग्जाम ओरिएंटेड जो जो चीजें एग्जाम में पूछी जा रही है उसके हिसाब से हम इन चीजों को ऐड करते हैं। तो जो चीज समझा उसको ध्यान समझना, निर्माण विनिर्माण विद्युत इलेक्ट्रिसिटी गैस जलापूर्ति अन्य उपयोगिताएं। अगर वहीं हम बात करें तृतीय क्षेत्र की, तो तृतीय क्षेत्र में व्यापार होटल एवं जलपान गृह, परिवहन संग्रहण एवं संचार, रेलवे परिवहन रेलवे के अतिरिक्त भंडारण संचार एवं प्रसारण सेवा, वित्तीय सेवा, स्थावर संपदा, गृह आवासों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन और लास्ट है आपकी अन्य सेवाएं। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है, निर्माण विनिर्माण विद्युत रेलवे, तो कौन सा एक द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, रेलवे शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, परिवहन रेलवे भंडारण आपका गैस तथा जल आपूर्ति, यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत गैस और जल आपूर्ति नहीं आता क्योंकि द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक। अब एक होता है आपका कृषि, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और आपका सेवा क्षेत्र। अब ध्यान समझना, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अगर कृषि क्षेत्र की बात हो रही है तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसलें, पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली उद्योग ये शामिल है, लेकिन खनन उत्खनन इसके अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण विनिर्माण विद्युत गैस तथा जलापूर्ति अन्य उपयोगिताएं तथा खनन उत्खनन को शामिल किया जाता है।
ठीक, और तृतीयक क्षेत्र में ये सारी चीजें शामिल है। तो देखिए, अगर प्राथमिक क्षेत्र बोलेगा तो उसमें खनन उत्खनन शामिल है, कृषि क्षेत्र बोलेगा तो उसमें खनन उत्खनन शामिल नहीं है। यही चीजें मैंने यहां पर भी लिखी हुई है, देखिए यहां बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, कृषि क्षेत्र बराबर प्राथमिक क्षेत्र माइनस खनन उत्खनन, यानी कि फसलें पशुपालन वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना मछली उद्योग, ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें खनन उत्खनन शामिल नहीं है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं उद्योग क्षेत्र की, तो उद्योग क्षेत्र में सभी के सभी द्वितीय क्षेत्र शामिल है, द्वितीय क्षेत्र प्लस खनन उत्खनन, ये आपका द्वितीय क्षेत्र आपके उद्योग समूह के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा है सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसलिए आपको मैंने पहले कहा था कि प्राथमिक क्षेत्र बराबर कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र बराबर उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र बराबर तृतीय क्षेत्र, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, खनन उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है लेकिन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि खनन उत्खनन किस क्षेत्र का हिस्सा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तो किसका हिस्सा है, प्राथमिक क्षेत्र का। खनन उत्खनन किस समूह के अंतर्गत आता है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तो किसके अंतर्गत आता है, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, ये क्लासिफिकेशन को क्लियर रखिएगा। अब देखिए इसको, ये आपको समझ में आ गया कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या कृषि, उद्योग, सेवा के अंतर्गत कौन कौन से प्रक्षेत्र आते हैं। अब इसके आधार पर इस टेबल को समझिए। देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्षेत्रवार अग्रिम अनुमान प्रतिशत वृद्धि 2023-24, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में इन अलग अलग क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए यहां हम प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र, स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध सेवा, यानी कि वही आपका फसलें पशुपालन मत्स्य पालन, आपकी वन उद्योग और लट्ठे बनाना, कृषि एवं संबद्ध सेवा के अंतर्गत कुल 3.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 7.13% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 5.02% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। छत्तीसगढ़ के कुल GSDP में 6.56% की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे पहले तो आपको ये वाले कॉलम को पूरा अच्छे से याद करना है, स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर। प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ के कृषि एवं संबद्ध सेवा में 9.05% की वृद्धि दर्ज की गई है, उद्योग क्षेत्र में 8.17% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि सेवा क्षेत्र में 8.38% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ के कुल GSDP में 8.93% की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबसे पहले ये कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत पर प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, तो वो है 3.23%। इसलिए मैं आपको बोला कि इस चैप्टर का हर एक डाटा अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। स्थिर कीमत के आंकड़ों को याद रखिएगा, प्रचलित कीमत के आंकड़ों को याद रखिएगा। अब जैसे कि कृषि और संबद्ध सेवा के अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, वन उद्योग, फसलें, सभी आते हैं, तो इस कृषि एवं संबद्ध सेवा में जो इसके अंतर्गत प्रक्षेत्र है, पशुपालन, मछली पालन, वन उद्योग, लट्ठे बनाना और आपके फसलें, तो इन इस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्रक्षेत्र में किसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई पूछा जाए, तो कृषि एवं संबद्ध सेवा के अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है मछली उद्योग में, कितना, 7.39% की, और सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है वन उद्योग में 1.98। देखिए ये जो 3.23% यहां पर आपका लिखा हुआ है, ये किसका है, ये पूरे के पूरे आपके इस कृषि क्षेत्र का है। किसका है, ये पूरे के पूरे इस कृषि क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। कृषि क्षेत्र का वृद्धि हो गया। अब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसलें, पशुपालन, वन उद्योग और मछली पालन आते हैं, तो सर्वाधिक वृद्धि किसमें दर्ज की गई है इन चारों में, मछली पालन में, और सबसे कम वृद्धि किसमें दर्ज की गई है, वन उद्योग में, ठीक। वैसे ही द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी के सभी प्रक्षेत्र आते हैं। तो देखिए उद्योग समूह के अंतर्गत जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितना है आपका, 7.31%, 7.13%, 7.13%, 7.13%, 7.13%,
तो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है निर्माण में, कितना 9.89%, और सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है विनिर्माण में, कितना 5.11%। ठीक, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है परिवहन, रेलवे के अतिरिक्त जो परिवहन आपके है उसमें जो है सर्वाधिक वृद्धि 9.65% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है रेलवे में। रेलवे में जो आपका वृद्धि है, वृद्धि क्या है ये आपके इसमें कमी आई है, ऋणात्मक में है आंकड़े, -2.17%, -2.17%। देखिए अब जो है ना थोड़ा सा परसेंटेज के साथ आंकड़ों को याद रखिएगा, वो समय गया कि आपको पूछा जाएगा कि कृषि एवं संबद्ध सेवा के अंतर्गत, देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रक्षेत्रों में से सर्वाधिक वृद्धि किस प्रक्षेत्र की रही। ऑप्शन दिया जाएगा पशुपालन, ऑप्शन बी फसलें, ऑप्शन सी मछली पालन, ऑप्शन डी वन उद्योग। तो किसमें सर्वाधिक वृद्धि रही, मछली उद्योग में। ठीक, अब प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे कि निम्नलिखित में से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि रहा। देखिए इसमें ना ही कृषि पूछ रहा, ना ही उद्योग पूछ रहा, ना ही सेवा पूछ रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर नीचे दिए गए चार विकल्प में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। ऑप्शन ए दे देगा मछली पालन, ऑप्शन बी दे देगा विनिर्माण, ऑप्शन सी दे देगा निर्माण, ऑप्शन डी दे देगा आपका वन उद्योग। चार ऑप्शन दिया है और इन चार ऑप्शन में से सर्वाधिक वृद्धि किसकी रही पूछेगा। तो देखेंगे सर्वाधिक वृद्धि किसका दिख रहा है, सर्वाधिक वृद्धि दिख रहा है निर्माण का। तो ऐसे प्रश्न आ रहा है, उसमें कृषि उद्योग सेवा ऐसे क्लासिफाइड नहीं कर रहा, चार आपको ऑप्शन देगा, चारों में से सर्वाधिक वृद्धि किसकी रही पूछेगा। वैसे ही आपका अगर हम प्रचलित कीमत की बात करें तो कृषि एवं संबद्ध सेवा के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि रहा पशुपालन में, और सबसे कम वृद्धि दर्ज किया गया वन उद्योग में, सेम स्थिर कीमत टाइप का। ठीक, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया निर्माण के अंतर्गत, सबसे कम वृद्धि दर्ज किया गया विनिर्माण के अंतर्गत, सेम टू सेम। ठीक, प्रचलित कीमत पर सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया व्यापार, होटलें एवं जलपान गृह में, सबसे कम वृद्धि दर्ज किया गया ऋणात्मक में, रेलवे के अंतर्गत -1.97%, -1.97%। अगर ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो ओवरऑल जीडीपी में सर्वाधिक वृद्धि, यानी कि ओवरऑल जीडीपी की बात हो रही है तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कंप्लीट बात हो रही है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत के सभी प्रक्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत के सभी प्रक्षेत्र, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत के सभी प्रक्षेत्र, इन सभी की बात हो रही है। तो ओवरऑल जीडीपी में प्रचलित कीमत पर सर्वाधिक वृद्धि रही आपके पशुपालन का, और सबसे कम रहा आपका रेलवे का -1.97। वैसे स्थिर कीमत पर ओवरऑल जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि रहा निर्माण क्षेत्र का स्थिर कीमत पर, और सबसे कम रहा आपके रेलवे का। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP क्षेत्रावार अग्रिम अनुमानित प्रतिशत भागीदारी। इससे पहले हमने क्या देखा, प्रतिशत वृद्धि, पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब हम देख रहे हैं क्या, प्रतिशत भागीदारी, क्या देख रहे हैं, प्रतिशत भागीदारी, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो जीडीपी का कुल आकार है उस जीडीपी के कुल आकार में कितने प्रतिशत भागीदारी किस किस क्षेत्र की रही। ठीक है, देखिए ध्यान समझना, ये जो पाई चार्ट है ना, ये पाई चार्ट भी आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में नहीं मिलेगा, आपको समझाने के लिए अलग से मैंने बुक में भी इसे ऐड किया है। जैसे कि बात कर रहे हैं हम स्थिर कीमत पर, स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार कितना है, स्थिर कीमत पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है 3,21,94,473 लाख रुपए। कितना है, 3,21,94,473 लाख रुपए, ये छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है। तो इस 3,21,94,473 लाख में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितना है पूछा जाए तो वह है 15.32%। छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी 3,21,94,473 लाख में से उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितना है पूछा जाए तो वो है आपका 53.50%। इस 3,21,94,473 लाख में सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितना है पूछा जाए तो ये है 31.5
आपका 9.19%, समझ रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ के जीडीपी का कुल आकार है। अगर इसको हम ले ले, जैसे ये है आपका 3,21,00,000 है, इसको हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं 3,22,00,000, ठीक है, 3,22,00,000, 3 करोड़ का आधा कितना होगा 1.5 करोड़, 22,00,000 का 11,00,000, यानी कि लगभग 1.61, आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी किसका है, उद्योग क्षेत्र का है, आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी किसका है, उद्योग क्षेत्र का है। ये 3.22 आपका करोड़ लाख रुपए है, तो उसका आधा कितना होगा 50% से ज़्यादा, यानी कि 1.61 करोड़ लाख रुपए, समझ पा रहे कि नहीं? इसका 50% से ज़्यादा बोल रहा है ना। देखिए उतना डीप में मत जाइए, देखो सीधा सीधा पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी या कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो वो है 15.32%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है, तो 53.50%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितनी अनुमानित है, तो 31.19%। पूरा क्वेश्चन आपको रीड करके बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन भी आपके माइंड में बैठ जाए, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। एक प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी का आकार है, इस जीडीपी में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, कौन सा हिस्सेदारी, कौन सा परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है, उद्योग क्षेत्र का ज्यादा दिख रहा है, तो ऑप्शन देगा कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, उद्योग क्षेत्र, इसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ के जीडीपी में, ठीक। अब देखिए कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपके कौन कौन से प्रक्षेत्र आते हैं, फसलें, पशुपालन, मछली पालन, वन उद्योग, लट्ठे बनाना, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। तो 15.32% जो है ये जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है। इस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फसल क्षेत्र की हिस्सेदारी इसमें सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी का आकार 3,21,94,473,00,000 रुपये है, उसमें कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी तो 15% है, लेकिन इस 15% में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है, फसलों की है। वैसे ही उद्योग क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 53.50% की है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी है विनिर्माण क्षेत्र की 21.19%, ठीक है। 53% तो उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी है जीडीपी में, लेकिन इस 53% में से सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी पूछा जाए, तो विनिर्माण की, ठीक। वैसे ही सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ का जो कुल जीडीपी का आकार है, उसमें सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है 31.19%। इस 31.19% में से स्थावर संपदा की हिस्सेदारी है 6.91%। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है। ऑप्शन दिया जाएगा निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, फसलें, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपका रेलवे। छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, विनिर्माण का। यहां पर कृषि उद्योग सेवा नहीं पूछ रहा है, आपको जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग विनिर्माण 21.919% के साथ सर्वाधिक हिस्सेदारी, ठीक। ये तो था आपका स्थिर कीमत पर। अब हम बात करते हैं प्रचलित कीमत की। देखिए प्रचलित कीमत पर, अगर प्रचलित कीमत की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है 5,05,88,651,00,000 रुपए। छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार कितना है, 5,05,88,651,00,000 रुपए, ये छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है प्रचलित कीमत पर। ठीक है, तो इस 5,05,88,651,00,000 रुपए में से कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है 20.49%। छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी का, जीडीपी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी है 44.69%।
इस 5,05,88,651 लाख में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है 34.82%। समझ में आ रहा है? प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है 5,05,88,651 लाख रुपए। इस छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी का, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इस कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है 20.49%, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी है 44.69%, जबकि सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है 34.82%। ठीक, इस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो जो आपके प्रक्षेत्र आते हैं, फसलें, पशुपालन, मछली पालन, तो इस 20.49% में कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक हिस्सेदारी है फसलों की, कितना, 11.80%। वैसे ही उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, तो जो उद्योग छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में प्रचलित कीमत पर उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 44.69% है, इस 44.69% में सर्वाधिक हिस्सेदारी है विनिर्माण का, कितना, 16.33%। ठीक, और लास्ट है आपका सेवा क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है 34.82%, जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी है स्थावर संपदा का, कितना है आपका, 8.24%। इंपॉर्टेंट है, ये सारे आंकड़ों को याद कीजिएगा। ठीक है, ये पाई डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में किस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तो किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। प्रचलित कीमत पूछे या स्थिर कीमत पूछे, दोनों में जो है उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। ठीक, अब देखिए, हमने एक टेबल पढ़ा था प्रतिशत वृद्धि का, अब हम टेबल पढ़ेंगे प्रतिशत हिस्सेदारी का। प्रतिशत वृद्धि यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत भागीदारी, यानी कि छत्तीसगढ़ की कुल जीएसडीपी में जो अलग अलग क्षेत्र है उसकी भागीदारी प्रतिशत क्या है, इसका भी एक टेबल देख लीजिए। देखिए, जैसे कि स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, सबसे पहले जे हम पहले पिछले पाई डायग्राम में भी देख लिया है, एक बार और देख लीजिए, स्थिर कीमत पर कृषि एवं संबद्ध सेवा का प्रतिशत भागीदारी कितना है, 15.32%, उद्योग क्षेत्र का 53.50%, सेवा क्षेत्र का है 31.19%। सबसे पहले तो इस कॉलम को आपको पूरा याद रखना है, स्थिर कीमत का। वैसे ही प्रचलित कीमत पर आपका कृषि एवं संबद्ध सेवा का है 20.49% हिस्सेदारी, उद्योग क्षेत्र का 44.69% हिस्सेदारी और सेवा क्षेत्र का 34.82% हिस्सेदारी, इस कॉलम को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जो आपका हिस्सेदारी है, ठीक है, सर्वाधिक जो आपका हिस्सेदारी है वो है फसल क्षेत्र का 8.64%, जबकि सबसे कम हिस्सेदारी है पशुपालन का 1.62%। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जो जीएसडीपी में हिस्सेदारी है वो है विनिर्माण का 21.19%, और सबसे कम हिस्सेदारी है आपका उद्योग गैस विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति का 10.16%। अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सेदारी है स्थावर संपदा का 6.91%, सबसे कम हिस्सेदारी है भंडारण का। ठीक है, वैसे ही अगर प्रचलित कीमत की बात करें तो प्रचलित कीमत में कृषि एवं संबद्ध सेवा के अंतर्गत फसलों की हिस्सेदारी है 11.80%, जबकि सबसे कम हिस्सेदारी है आपके पशुपालन का 2.43%। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक हिस्सेदारी विनिर्माण का 16.33%, सबसे कम हिस्सेदारी है विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति का 6.97%। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक हिस्सेदारी है स्थावर संपदा का 8.24%, सबसे कम हिस्सेदारी है भंडारण का 0.10%। ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रक्षेत्र आते हैं, यानी कि फसल, पशुपालन, मछली पालन, वन उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस, जलापूर्ति, आपका रेलवे, परिवहन, व्यापार, ये सभी के सभी, यानी कि सभी कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जितने प्रक्षेत्र आते हैं, अगर उसका ओवरऑल देखें तो छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी अलग अलग प्रक्षेत्रों में ये है विनिर्माण की। ठीक है, यानी कि आपके कृषि उद्योग सेवा सभी के अंतर्गत जितने आपके उसके सब क्लासिफाइड है, उस सभी के अंतर्गत
ओवरऑल जीएसडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी है आपका विनिर्माण का, सबसे कम हिस्सेदारी है भंडारण का। वैसे ही प्रचलित कीमत पर कुल जीएसडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी है विनिर्माण का और सबसे कम हिस्सेदारी है आपका भंडारण का, इसको भी याद रखना, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर निम्नलिखित में से किस एक प्रक्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? निर्माण, विनिर्माण, भंडारण, विद्युत आपूर्ति, ऐसे करके आपसे ऑप्शन देगा तो किसका सर्वाधिक है? आपका विनिर्माण का सर्वाधिक है, ठीक। ये हिस्सेदारी की बात हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर्थिक विकास दर। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसका वृद्धि दर बताया गया है, जिसको भारत के विकास दर या भारत के आर्थिक वृद्धि दर से कंपेयर किया गया है। ये सभी के सभी जो आंकड़े हैं ये स्थिर कीमत पर है, ठीक है, स्थिर भाव पर ये सभी के सभी आंकड़े हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का जो आपका वृद्धि दर है या जो विकास दर है, ये स्थिर कीमतों पर 2023-24 के लिए 6.56% इसके छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर रही, जबकि भारत का आर्थिक विकास दर या वृद्धि दर रहा 7.32%। छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर रही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3.23%, जबकि भारत की वृद्धि दर रही 1.82%। औद्योगिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर रही 7.13%, जबकि भारत की वृद्धि दर रही औद्योगिक क्षेत्र के लिए 7.93%। सेवा क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ की वृद्धि दर रही 5.02%, जबकि भारत की वृद्धि दर रही 7.72% सेवा क्षेत्र के लिए। छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमत पर, ये जो सभी के सभी आंकड़े हैं ये स्थिर कीमत पर है, लास्ट वाला आंकड़ा प्रचलित कीमत पर है। प्रचलित कीमत पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय रहा 1,47,361 रुपये, भारत का प्रति व्यक्ति आय रहा 1,85,854 रुपये। छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में प्रचलित कीमत पर 7.31% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि भारत के प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में 7.9% की वृद्धि दर्ज की गई। अगर आप देखेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में भारत की तुलना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका आर्थिक विकास दर है ये ओवरऑल छत्तीसगढ़ का कम है, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ इसमें भारत से आगे है, इसमें छत्तीसगढ़ आपके औद्योगिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ जो है ये भारत से पीछे है, वैसे ही सेवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भारत से पीछे है। किसमें बस भारत के आंकड़े से आगे है? केवल कृषि क्षेत्र में। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का वृद्धि दर भारत की तुलना में सर्वाधिक रहा? तो कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक था, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर आपका क्षेत्रवार योगदान भी दिया गया है, ये तो प्रतिशत वृद्धि था, अब बात आती है योगदान की। ये जो आंकड़े हैं ये भी आपके स्थिर कीमत के हैं, ठीक है, स्थिर कीमत पर हिस्सेदारी की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में स्थिर कीमत पर कृषि क्षेत्र की भागीदारी है 15.32%, जबकि भारत में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी है 14.41%। छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी है 53.50%, जबकि भारत के कुल जीडीपी में आपके उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी है आपका 30.97%। छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है 31.19%, जबकि भारत के कुल जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 14.62%। तो ये है आपका अध्याय 3, जिसका हर एक आंकड़ा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली स्थिर कीमत के आंकड़ों को याद कीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है कि प्रतिशत भागीदारी पूछ रहा है, इस पर मेन फोकस कीजिएगा। तो यहाँ होता है आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 3 राजकीय आय समाप्त। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन बैच 15 मई 2024 से शुरू होने वाला है। जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो नीचे दिए गए लिंक में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक।